नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी, आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई टल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई जिला अदालत में अगले साल 7 जनवरी को होगी। सभी पक्षकारों को आज कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखना था। कोर्ट की तरफ से जवाब के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को नोटिस भेजा गया था। मथुरा की कोर्ट में दायर हुए मुकदमे में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिषद ने 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया। साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाने की मांग की गई है। जिला अदालत से पहले सिविल कोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। बता दें, मथुरा श्री कृष्ण विराजमान सिविल वाद के संबंध में दाखिल की गई अपील को जिला न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया था। इस मामले में सभी विपक्षी गणों को नोटिस भी जारी किया गया था। इससे पहले इस केस की सुनवाई 18 नवंबर को हुई थी, जिसके बाद 10 नवंबर के लिए टाला गया था। हालांकि उस दिन सभी पक्षकार उपस्थित नहीं हो सके थे। यूपी में ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने यातायात निदेशालय में 5,000 पद भी बढ़ा दिए हैं। अब प्रदेश में यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात होंगे। बढ़ाए गए पुलिसकर्मियों की संख्या नागरिक पुलिस से ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर की जाने वाली है। अब जल्द ही इन सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाएगा। कुछ दिनों पहले योगी सरकार ने 5,000 पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक पुलिस में भेजने का फैसला लिया था। इनमें इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही स्तर तक के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। जालौन में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। एक 5 साल की मासूम दलित बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। मामला आटा थाना क्षेत्र के संधि गांव का है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची को घर के पास से खेलते समय अगवा कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित मासूम के पिता के अनुसार गैंगरेप की इस घटना में गांव के ही 3 लड़के शामिल हैं। उनका आरोप है कि पुलिस लीपापोती करते हुए सिर्फ 2 नाबालिग लड़कों को ही इस पूरी वारदात में शामिल मान रही है। उधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में प्रस्तावित किराएदारी कानून पर सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। योगी सरकार ने किराएदारी कानून की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए किराएदारी विनियम अध्यादेश का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 20 दिसंबर तक लोगों से आपत्ति और सुझाव मांग रही है। प्रस्तावित किराएदारी कानून के मुताबिक अब बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा। साथ ही मकान मालिक को किराएदार की जानकारी प्राधिकरण को देनी होगी। नए कानून के तहत किराएदारी के संबंध में मकान मालिकों को 3 महीने के अंदर लिखित अनुबंध पत्र किराया प्राधिकारी को देना होगा। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि आप लोग अपने सुझाव और आपत्तियां 20 दिसंबर तक सरकार की वेबसाइट www.awazbandhu.in पर भेज सकते हैं। सरकार ने किराएदारों के साथ साथ मकान मालिकों के हित को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये अध्यादेश लाने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यूपी सरकार का दावा है कि 4 सालों में लगभग 4,00,000 नौकरियां दी गई है और आने वाले वक्त में और भी सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौकरियों के मामले में खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। उन्होंने सरकार की तरफ से दी जा रही सभी नौकरी पर नजर जमा रखी है। इतना ही नहीं, वो नियुक्ति पत्र भी खुद बांट रहे हैं। योगी नियुक्ति पत्र मांगते वक्त अभ्यर्थियों से बात करते हैं और खुद ये पूछते हैं कि किसी को नौकरी के लिए सिफारिश तो नहीं करनी पड़ी और किसी को नौकरी के लिए घूस तो नहीं देनी पड़ी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सीएम योगी ने 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और सफल अभ्यर्थियों से संवाद किया। इन दिनों हर भर्ती प्रक्रिया के बाद सीएम योगी खुद अभ्यर्थियों से संवाद कर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को परखते हैं।
योगी सरकार का कहना है कि कोविड काल के दौरान भी यूपी में भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकी और यूपी सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला प्रदेश बन गया। बता दें, नलकूप संचालक के लिए सीएम योगी ने मिशन शक्ति के तहत पहली बार इस पद पर महिलाओं की भर्ती की है। कुल 516 महिलाओं की भर्ती हुई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने जहां सभी राज्यों को इसके स्टोरेज और लगाने की रूपरेखा तैयार करने को कहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां अंतिम चरण में है। सबसे पहले जिन्हें वैक्सीन लगेगी उनमें डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ शामिल है। इसके लिए शासन की तरफ से सभी जिलों की सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की सूची तैयार कर भेजी जाए। इस सूची के आधार पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना टीकाकरण को लेकर सभी जिलों में समुचित व्यवस्था की जाए, जरूरत पड़ने पर कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। पहले डोज के 25 से 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। जिस व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा उसकी निगरानी भी की जाएगी। अयोध्या को इक्ष्वाकुपुर बनाने की तैयारी कर ली गई है। 15 जनवरी के बाद श्री राम मंदिर निर्माण की जोर शोर से तैयारियां शुरू होगी। राम मंदिर का सिंह द्वार परिसर के पूर्वी द्वार पर बनेगा, जो अयोध्या फैजाबाद रोड पर स्थित है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति राम जन्मभूमि परिसर को वैदिक सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी में जुटी है। भगवान राम की जल समाधि वाले स्थान सरयू के गुप्तार घाट से राम जन्मभूमि तक इक्ष्वाकुपुर परियोजना 1900 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। अयोध्या हाईवे से एक 4-लेन सड़क प्रस्तावित है, जो इक्ष्वाकुपुरी को जोड़ेगी। इसमें एक और सरयू नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। बता दें, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 दिनों की बैठक के साथ साथ तैयारियों का भी जायजा लिया। अयोध्या से बलरामपुर राजमार्ग को विकसित किया जाएगा। इक्ष्वाकुपुर में योगी सरकार भजन संध्या स्थल, दशरथ महल, सत्संग भवन, यात्री सहायता केंद्र, रैन बसेरा, रामकथा पार्क का विस्तारीकरण और क्वीनो मेमोरियल पार्क निर्माण करने जा रही है। अपने विवादों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर चुटकी ली है। सुरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन के बहाने इन दोनों नेताओं पर निशाना साधा है। बीजेपी एमएलए ने राहुल और अखिलेश को विरासती नेता करार दिया है। उन्होंने कहा कि विरासत में राजनीति पाने वाला व्यक्ति कभी भी जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को जन्मजात नेता बताया। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि विरासत के आधार पर राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भारत में सफल होगा ये संभव नहीं है। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।